अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस की रेसिपी। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी थी कि व्हाइट सॉस बनाना बता दें, तो चलें आज इसी को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें मक्खन। अच्छा, मैं इसमें मक्खन इसलिए पहले नहीं डाल रही थी वरना तो मक्खन हमारा जल जाता। ऑयल के साथ जब मक्खन जाता है तो फिर मक्खन जलता नहीं है। जब ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मैदा और इसको अच्छे से भूनूंगी। इस लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करना है वरना तो ये मैदा और मक्खन जल जाएगा। हल्की आंच पर जब आप इसको भूनने लगेंगे तो इसका कलर भी चेंज होगा और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आपको आने लगेगी। जब आप देखें कि इसमें खुशबू आने लगी है तब आप इसमें शामिल करेंगे दूध। मैंने इसमें 2 कप के बराबर दूध शामिल किया था, ये मैंने 2 पैकेट लिए थे। इसको आप जो है विस्क से जल्दी जल्दी चलाएँगे वरना इसके अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो इसमें लम्ब्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसमें 2 पैकेट भी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाऊंगी कि ये हल्की सी थिक होने लगे। तेज़ आंच पे आपको नहीं बनाना वरना तो फिर इसके अंदर लम्ब्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हसबे ज़रूरत नमक और काली मिर्च। इसको और रिच बनाने के लिए आप इसके अंदर चेडर चीज़ डाल सकते हैं लेकिन इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं आगे चल के लिज़ानिया में यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ वाइट सॉस ऐसे ही सिखा दी है अलग से। ये देखें हल्की सी थिक होनी स्टार्ट हो गई थी और अब ये 5 मिनट तक मैंने जब इसको हल्का सा पकाया था तो ये देखें कैसी अच्छी गाढ़ी सी हो गई है। इसको ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। ज़बरदस्ती हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। आप वाइट सॉस पास्ता बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको इतना ही थिक रखिएगा, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया था जो कि मैंने मेजर करके डाला था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको क्विक एंड ईजी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।